दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नटवर लाल की। नटवर लाल, जब कभी भी आप ये नाम सुनते होंगे तभी आपके जहन में आता होगा कि ये क्या है। नटवर लाल मतलब ठगी, फ्रॉड, लूटपाट आदि की बातचीत रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश को हिला डाला। यह व्यक्ति बानवे चर्चित नामों से जाना गया, लेकिन जिसके अंतर्गत इसका सबसे मशहूर नाम रहा नटवर लाल। इस नटवर लाल के ऊपर अमिताभ बच्चन की एक फिल्म भी बनी, उस फिल्म का नाम भी नटवर लाल था। इसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, यदि सभी की सजा मानी जाए तो यह 117 साल थी, लेकिन 30 मामलों में इसको सजा हो पाई। 8 राज्यों की पुलिस ने उस पर इनाम घोषित किया। बिहार का सिवान जिले में नटवर लाल का जन्म हुआ। नटवर लाल हमेशा बहुत ही नाटकीय तरीके से अपराध करता था, उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से पकड़ा जाता था और उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से फरार होता था। लगभग 75 साल की उम्र में दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर के एक मामले में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवानों और एक हवलदार उसे लेने आए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल में उन्हें बैठना था। स्टेशन पर खासी भीड़, पहरेदार मौजूद और नटवर लाल बेंच पर बैठा हाफ रहा था। उसने सिपाही से कहा कि बेटा बाहर से दवाई की गोली ला दो, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब रिश्तेदार मिलने आएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यह बात अलग है कि उसके परिवार और रिश्तेदार के बारे में सिर्फ इतना पता है, परिवार ने उसे कुटुंब से निकाल दिया था। पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी और संतान कोई नहीं थी। सिपाही दवाई लेने गया, आखिर 2 पहरेदार मौजूद थे, इनमें से एक को नटवर लाल ने पानी लेने के लिए भेजा। हवलदार बचा तो उसे कहा, भैया तुम वर्दी में हो और मुझे बाथरूम जाना है, तुम रस्सी पकड़े रहोगे तो मुझे जल्दी अंदर जाने देंगे क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उस भीड़ भाड़ में नटवर लाल ने कब हाथ से रस्सी निकाली और कब भीड़ में शामिल हो गया इसका पता कभी भी नहीं चला। नटवर लाल 60 हजार फरार हो गया। नटवर लाल ने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी ठगी थी, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ी ठगी यह रही कि उसने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर करके लाल किला, संसद भवन और ताजमहल बेच दिया। साथ ही साथ उसने सांसदों को भी, 592 सांसदों को भी बेच दिया। यह उसकी ठगी का सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद नटवर लाल का नाम 2004 में तब सामने आया जब उसने अपनी वसीयत नुमा फाइल पर वकील को सौंपी। बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती हुआ, उसके बाद एक दिन अस्पताल छोड़कर चला गया। डॉक्टरों का कहना था कि जिस हालत में रहा था उसमें उसके 3-4 दिन से ज़्यादा बचने की गुंजाइश नहीं थी। नटवर लाल के जो अज्ञात अपराध हैं अगर उन सबको मिला लिया जाए तो यह रकम 50 लाख तक नहीं पहुंचती, लेकिन यह 50 लाख रकम सन 1990 के पहले की वारदातों में से है। अगर वो अपने जीवन की पूरी सजा काटता तो वह सजा 117 साल बैठती, लेकिन वह केवल 30 मामलों में ही दोषी पाया गया, बाकी में वह फरार रहा तथा कुछ मामलों के निर्णय नहीं आ सके।